थी और एक छोटी सी बीमारी कितनी बड़ी महामारी बन गई। भारत में 100, 200, 300, 400, 500 के लगभग कोरोना के कुल मामले थे ना, तभी लॉकडाउन की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, राइट। और अब आज भारत में हालात देखिए, 1 करोड़ से भी ज्यादा कोरोना वायरस के आंकड़े पहुंच चुके हैं। और ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो अभी बर्ड फ्लू की जो वायरस की बीमारी है ना, उसके भी हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। हालांकि अभी तक ये इंसानों में पहुंची नहीं है, लेकिन पक्षियों में इसके बहुत ज्यादा गंभीर मामले देखे जा रहे हैं। कोरोना के बाद पोल्ट्री उद्योग बर्ड फ्लू से सहमा सा गया। मुर्गे और अंडे के थोक बाजार पर इसका पूरा बड़ा असर दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बताऊंगा, आजकल कई राज्यों में बर्ड फ्लू वायरस के मामले देखे जा रहे हैं और उससे अंडे और चिकन सोप वगैरह पर खासा असर पड़ रहा है। देखिए जरा दोस्तों, इंदौर में चिकन सोप के चाकू पर भी बर्ड फ्लू वायरस पाया गया और रतलाम में भी 15 मृत कोए भी पाए गए। और एक बड़ी खबर देखिए, बिग ब्रेकिंग न्यूज अब रीच है कि कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू से मंडी बीमार अंडे और चिकन की बिक्री में तकरीबन 90% गिरावट देखी गई है। बर्ड फ्लू एमपी में चिकन सोप के सैंपल में कोरोना वायरस पाया गया। गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल में भी कौओं की मौत हुई है। वहीं मुख्यमंत्री ने बर्ड फ्लू पर मीटिंग बुलाई है। मध्य प्रदेश में इंदौर नीमच में मृत मिले कौओं वाले एरिया से 1 किलोमीटर दायरे में चिकन और मटन की दुकानें 7 दिन के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया गया। मध्य प्रदेश और इंदौर नीमच में दोस्तों बर्ड फ्लू के वायरस पाए गए और 1 किलोमीटर दायरे में फिर दुकानों को बंद करने का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। बर्ड फ्लू को लेकर पूरा भारत में दहशत से फैल गई है। आखिर क्या दोस्तों चिकन और अंडा खाने से भी ये बीमारी फैल सकती है? इस पर एक्सपर्ट वैज्ञानिकों की और विशेषज्ञों की साइंटिस्ट की क्या राय है, मैं आपको वो तो जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा ही। इसके अलावा आखिर कौन कौन से राज्यों में बर्ड फ्लू की भयंकर चेतावनी है, वो आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। तो पूरे भारत में दोस्तों बर्ड फ्लू के हालात क्या चल रहे हैं, और एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं, झारखंड में बर्ड फ्लू को लेकर सतर्कता बढ़ी। 1977 सैंपल कोलकाता में भेजे गए। वहीं बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र सरकार भी अलर्ट है और सभी राज्यों को तैयार रहने को कहा। गुजरात में भी 4 कौओं की जान जाने की अब खबर सामने आ रही है। इसी बीच खबर है कि बर्ड फ्लू को लेकर सतर्क रहे, इससे आखिर कैसे बच पाएंगे और किस तरह से इस वायरस की पहचान कर पाएंगे, कुछ अहम 10 सवालों का जवाब मैं आपको बताऊंगा। और अब दोहरे खतरे की दस्तक लग रही है। कौओं के बाद अब मुर्गी में भी बर्ड फ्लू का वायरस पाया गया है। ब्रिटेन से लौटे यात्री में कोरोना के नए स्ट्रेन की भी पुष्टि हुई है। जहां एक तरफ दोस्तों देश अभी भी कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा और कोरोना